हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बेन 10 के टॉप 5 सबसे पावरफुल एलियंस के बारे में। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी बेन 10 पे टॉम हॉलैंड को लेकर, जिसको आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, थैंक यू। वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आई बटन में क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना, तभी ज्यादा मजा आएगा। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको 5 स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन बेन 10 के। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, वीडियो होस्ट सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। अब ऑब्वियसली बेन 10 के इतने सारे एलियंस में से 5 चुनना बहुत ही मुश्किल काम है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने फेवरेट एलियंस बताऊंगा और कमेंट सेक्शन के अंदर जाना, वहाँ पे मेरा कमेंट होगा, उसके रिप्लाई में अपने 5 फेवरेट एलियंस आप लिख देना, तो जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो आपकी चॉइस के ऊपर होगी। तो प्लीज यार मेरी थोड़ी सी मदद करो, कमेंट सेक्शन में जाना और वहाँ पर मेरी कमेंट की रिप्लाई में मुझे वोट करना और बताना कि आपके 5 फेवरेट एलियंस कौन से हैं, ताकि इसके ऊपर ही जल्दी से वीडियो बनाई जा सके। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मेरा काउंटडाउन हम शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। नंबर 5 पे आता है वे बिग। जब बेन ने इसका नाम रखा था तो उसने सोचा था कि ये कितना बड़ा है, तो उसने इम्प्रोवाइज किया और उसका नाम रख दिया वे बिग, यानी बहुत ज्यादा बड़ा। बेन 10 की मूवी सीक्रेट ऑफ द ऑमनीट्रिक्स के अंदर आजमत ने वे बिग को अनलॉक कर दिया था ताकि बेन विलगैक्स को हरा सके। उस वक्त हमने देखा था कि वे बिग इतना ज्यादा बड़ा हो गया था, जितना बड़ा आज तक कोई एलियन उसका हुआ नहीं है। हाँ, अगर एलियन एक्स डिसाइड करे उससे बड़ा होने का तो वो ज्यादा बड़ा हो सकता है, बट अगर हम बात करें वे बिग की, तो वे बिग वन ऑफ द मेरा फेवरेट एलियन इसलिए है क्योंकि वो अल्टीमेट रूप में आने के बाद में, और जब सारा का सारा चीज़ वो अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है, पूरी ताकत जब वो पूरी जमा कर लेता है, तब वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन बन जाता है बेन का, और मैंने अपनी लिस्ट में इसको रखा है 5 नंबर पे। नंबर 4 की अगर बात करें तो मेरी लिस्ट में आता है अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर। बहुत सारे ओकेजन ऐसे हुए हैं जहां पर एलियन समझ में नहीं आता है बेन को, तो वो कुछ भी नहीं चुनता है, वो सीधा अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर या ह्यूमंगोसॉर को ही चुन लेता है, क्योंकि वो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ उसके अंदर कुछ यूनिक एबिलिटीज भी हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब बेन को कुछ भी समझ में नहीं आता है और उसको नहीं पता लगता है कि कौन सा एलियन बनना है, तो वो कुछ और डिसाइड नहीं करके वो सीधा ह्यूमंगोसॉर की तरफ चला जाता है, और इसलिए मुझे अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर और साथ ही साथ ह्यूमंगोसॉर दोनों पसंद है। अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर की बात करें तो नॉर्मल ह्यूमंगोसॉर और अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर में सिर्फ यही फर्क है कि उसके बैक पे एक टर्टल शेल आ जाता है, उसके हाथ के अंदर मिसाइल आ जाती है, और वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल और थोड़ा ज्यादा एंग्री हो जाता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने इसको डिसाइड किया है अपने काउंटडाउन में 4 नंबर पर रखने के लिए। तीसरे नंबर पर रखा है मैंने फीडबैक को। अब सबसे पहले मैं अगर आपको फीडबैक के बारे में बताऊं तो फीडबैक मुझे बहुत ही कूल लगता है। पता नहीं, कुछ ही ऐसे एलियंस हैं बेन 10 के जो कि मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और फीडबैक उनमें से एक है। अगर आप इसकी तरफ देखोगे तो बड़ा ही कूल चिल सा एलियन है जो कि मुझे अच्छा लगता है। एक बार बिग बैंग की सारी पावर को इसने अपने हाथों में समेट लिया था, क्योंकि इसकी पावर्स के अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि वो किसी तरह की एनर्जी को अपने अंदर सोख सकता है और उसको 200 से 300 गुना एम्पलीफाई करके सामने वाले एनिमी पे छोड़ सकता है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं अपने काउंटडाउन में इसमें दूसरे या पहले नंबर पर रखने वाला था, लेकिन दूसरे और पहले नंबर पर बहुत ही अच्छे एलियंस है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये कहाँ होना चाहिए, लेकिन मैंने अपने काउंटडाउन में इसको रखा है 3rd नंबर पर। नंबर 2 की अगर बात करें तो नंबर 2 पे मैंने एक ऐसा एलियन रखा है जो कि देखने में तो थोड़ा सा मोटा लगता है और अजीब लगता है और कोई एक्सप्रेशन नहीं है उसके फेस पे, लेकिन अगर काम के बारे में बात करें और पावर्स के बारे में बात करें तो ये एलियन बहुत ही अमेजिंग है। मैं बात कर रहा हूँ क्लॉकवर्क की। क्लॉकवर्क के पास टाइम मैनिपुलेशन, साथ ही समय में आगे पीछे जाने की पावर है, नई रियलिटीज बनाने की पावर है, नई टाइमलाइंस बनाने की पावर है, और ये सारी की सारी पावर्स बहुत ही अमेजिंग है। कौन सा एलियन होगा जो इससे पंगा ले सकता है, क्योंकि ये तो दूसरी टाइमलाइन बना के टाइम में पीछे जाके उसको आराम से हरा सकता है। बेन ने बहुत बार जब भी मुसीबत की घड़ी उसके सामने आई है, जब भी उसको लगता था कि कुछ हो नहीं सकता, तो वो क्लॉकवर्क बन जाता है और पूरी के पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को और पूरे यूनिवर्स को आराम से बचा लेता है। तो मैंने अपने काउंटडाउन में क्लॉकवर्क को रखा है नंबर 2 पे, और नंबर 1 पे तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन आने वाला है। नंबर 1 एलियन की अगर हम बात करें तो ये एलियन होने वाला है एलियन एक्स। अब एलियन एक्स की अगर बात करें तो एलियन एक्स एक ऐसा एलियन है जिसका बेन को नाम तक नहीं पता है। मतलब एलियन एक्स की अगर हम बात करें तो एलियन एक्स क्या नहीं कर सकता, एलियन एक्स कभी भी कुछ भी कैसे भी कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है। अगर उसको अल्टरनेट रियलिटी बनानी है तो बाएं हाथ का खेल है, अगर उसको एक नई दुनिया बनानी है तो भी बाएं हाथ का खेल है, और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है एलियन एक्स के लिए। जब जब बेन को लगता है कि एक बड़ी मुसीबत आने वाली है या फिर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो कोई और एलियन नहीं चुनता, वो चुनता है एलियन एक्स, क्योंकि एलियन एक्स एक तरह का गॉड है जो कि कुछ भी कर सकता है, और हमारे काउंटडाउन में ये है नंबर 1 पे। अब एलियन एक्स की पावर्स को अच्छे तरीके से शो के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया गया है, क्योंकि क्या पावर्स हैं, सब कुछ वो कर सकता है, एक बहुत ही ज़्यादा नर्व्ड हीरो है वो, जिसके पास सब कुछ करने की पावर है, तो इसलिए मैंने इसको रखा है नंबर 1 काउंटडाउन में। तो गाइस, कमेंट सेक्शन में पहले आप मुझे बताना कि आपके हिसाब से बेन 10 का स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन कौन है। मेरे हिसाब से एलियन एक्स, मुझे बहुत पसंद है वो।
तो अपने हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही साथ ये वीडियो कैसी लगी इस पर लाइक करना, शेयर करना, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करना और कमेंट करके बताना अपने व्यूज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।